तो मेरी इथर के मैं हर एक पॉइंट्स बताऊंगा आपको, ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक, सब कुछ के कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज आए, मैंने क्या क्या पार्ट्स चेंज करने पड़े मुझे, कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आई, कौन सी चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आई, कौन से पार्ट कितने घिसे करके, एवरीथिंग, और जो मैं व्हाट आई डू पर्सनली थिंक अबाउट इट. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स. तो फिर से मैं आ चुका हूँ बहुत बड़े ब्रेक के बाद. आई नो आई एम सॉरी फॉर द डिलेज एंड ऑल दैट, बट इट हैपेंस, यू नो. चलो तो पॉइंट पे आते हैं फिर से. तो मैं फिर से लेके आया हूँ ईथर को आपके साथ. ये हमारी ईथर, प्यारी ईथर आई वुड से, और इसके हो चुके पूरे 40,000 किलोमीटर ख़त्म. 40,000 किलोमीटर एक काफ़ी अच्छा फिगर है, बिकॉज बहुत सारे, मतलब बहुत सारे व्हीकल के लिए 40,000 इज काइंड ऑफ एंड ऑफ देयर लाइफ. बट बहुत सारे जो अच्छे व्हीकल हैं, मेंटेन करते हैं जो लोग, तो 40,000 इज काइंड ऑफ मिडवे ऑफ देयर लाइफ. ओके, और ये 40,000 हो चुके हैं मेरे अंडर 3 years टाइम में. मतलब आई थिंक सो देर आर थ्री मंथ्स मोर, 3 महीने बाद ये 3 साल पूरे हो जाएंगे मेरी ईथर को. ठीक है, तो मैं हर चीज़ बहुत डिटेल में बताऊंगा अभी आपको कि क्या कैसा परफॉर्म किया मेरी ईथर ने ये 40,000 किलोमीटर में. ठीक है, तो स्ट्रेट में बात करता हूँ. पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि प्रेजेंटली कैसी दिखती है गाड़ी, कहाँ पे क्या इश्यूज आए मेरे को और क्या नहीं आए. देखिए, अभी तक आपको मेरी ईथर के बारे में देखना चाहोगे, जब से परचेज करिए तब से मैंने टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करे ही हुए हैं इसके. तो ये रही हमारी ईथर. अब पूरा वॉक अराउंड करता हूँ मैं, देखिए कैसा लग रहा है. ये वीडियो शूट हो रहा है पूरा 4K 60fps पे, तो आप हाईएस्ट सेटिंग में जूम इन करके, जूम आउट करके भी देख सकते हैं क्या है. ठीक है, अभी तक मतलब स्क्रैचेस भी आपको दिख जाएंगे काफ़ी, कितने टाइम में कितने स्क्रैचेस आए, क्या आए, लाइट्स वगैरह कैसी हैं, टायर कितने किसे हैं. डिटेल में जाऊंगा एक एक चीज़ पे आपके आपको लेके. ओके, तो ये रहा हमारा डैशबोर्ड. यू कैन सी माय ओडोमीटर इज शोइंग 40,216 किलोमीटर. ठीक है, और ये ट्रिप अभी सिंपल, पहले 2 ट्रिप मीटर होते थे, अब 1 हो चुका है, वो 37 पे है अभी, 37,000. एवरेज स्पीड दिखा रही है, करंट राइड दिखा रहा है 1.3 किलोमीटर. ठीक है, ओडोमीटर इस 40,216 किलोमीटर. ठीक है, और मेरी बैटरी 88% है वगैरह वगैरह. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में हल्का फुल्का जो लाइंस दिख रही हैं, स्क्रैचेस दिख रही है, देखो मैं भी आप ऑफ करके दिखाता हूँ आपको. ये बेसिकली स्क्रीन में स्क्रैच नहीं है, ये एक मैंने प्रोटेक्शन, एक फिल्म लगाई थी इसके ऊपर, तो वो धूप लगते लगते उसमें क्रैक आए, फिल्म में आए, स्क्रीन को कुछ नहीं हुआ. तो अभी तक ये स्टॉक स्क्रीन है, परफेक्ट. इसने 3 सीजन देख चुकी है ये बारिश के, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये पैनल भी आप देखोगे कि ठीक है, हल्के फुल्के आप इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे पुराना होता है ना, तो एक्टिवा में एक वो चमकने लगता है, तो वो आ गया है. मतलब मैं स्क्रैच करूँगा तो ऊपर की एक लेयर हल्की निकलती दिखेगी आपको. मतलब जो एज होती ना गाड़ी के, जैसे एक्टिवा और वो सब की, तो वो दिखने चालू हो गई इसमें. स्क्रीन के ऊपर के जो बटन है, हाई बीम लो बीम, उसके ऊपर के प्रिंट, उसके ऊपर के प्रिंट ख़त्म हो चुके हैं अब. एंड बटन सारे बराबर चल रहे हैं, ये भी बटन बराबर चल रहा है, इसके भी प्रिंट निकल चुके हैं लेकिन बटन बराबर काम कर रहा है, ये बटन भी बराबर काम कर रहा है, मोड चेंज करने वाले. टर्न सिग्नल भी परफेक्ट है, हॉर्न भी बराबर है, दिखाता हूँ एक मिनट ऑन करके. देखो ये बराबर है, ये आवाज़ भी बराबर आ रही है, हॉर्न भी बराबर है. ये साइड स्टैंड का कभी तक भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया मेरे को. वो बताता है कि जैसे ही इंगेज किया है कि नहीं किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मैंने चालू करी, आम किया है गाड़ी को, तो देखो चल रही प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है. तो फंक्शनैलिटी, हाँ फंक्शनलिटी वाइज इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्रेक्स परफेक्ट है, ये कॉम्बी ब्रेक है, ये सिर्फ आगे का ब्रेक है,
और ये प्रॉपर चल रहा है। ग्रिप्स वगैरह आप ध्यान से देखोगे ना तो हल्के हल्के घिसे है, ये सिलिकॉन टाइप मटेरियल है, हल्का हल्का घिस गया है ये, थोड़ा इधर से कभी थोड़ी बहुत गिरी होगी, मतलब खड़े खड़े तो कट गया है, तो ये ठीक है अपनी जगह पे। सेम वे यहाँ पे एक्सलेटर, एक्सलेटर का सेंसर में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, वो सेम ग्रिप का इश्यूज है। ये देखो थोड़े थोड़े कट 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 के मार्क्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, तो ये भी ठीक है अपनी जगह पे, कोई ऐसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आते हैं इसके आगे की तरफ, मिरर्स वगैरह तो ये चेंज हुए हैं, ये जनरेशन 3 वाले हैं, जो जनरेशन 1 और 2 की है जो थे वो प्रॉब्लम दे रहे थे, छोटे थे और वो नहीं मूव हो रहे थे, तो ये इनने फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट दिया था क्योंकि यहाँ पे क्रैक आ गए थे मेरे, तो ये भी उनने अंडर वारंटी चेंज किया मेरे को। तो अंडर वारंटी क्या क्या चेंज हुआ मेरा, ये पैनल चेंज हुआ है, ये पैनल चेंज हुआ है, ये पैनल भी चेंज हुआ है और मिरर्स भी चेंज हुए हैं। तो ये सर्विस वालों ने प्रॉपर एथर्स में मेरे को सर्विस दी है इसके रिगार्डिंग। फिर रही बात ये पैनल अभी स्टॉक है, देखिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लाइट्स वगैरह एकदम परफेक्ट चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इधर भी बराबर नहीं। स्क्रैचेस आपको थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं दिखेंगे, पार्किंग में आ जाते हैं, हमसे आ जाते हैं, कभी किसी और से आ जाते हैं। ये जो साइड विंगलेट्स हैं, ये जो दो पैनल हैं, इसमें से मेरा ये पैनल मेरे को पेड़ में रिप्लेस करना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी में मैंने एक बार डाली थी, इतना पानी में डाली थी लगभग, तो जो पानी का फ्लो है वो यहाँ पे आया था और एक नट खुल गया था उसका, तो ये टूट गया था, बेसिकली बाहर आ गया था, तो ये मेरे को चेंज करना पड़ा था, कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये का मेरे को पड़ा था, बट वो मैंने पे करके लगा दिया, ठीक है। एंड इसके डिस्क ब्रेक अभी तक काफ़ी बार इसके डिस्क पैड्स चेंज हो चुके हैं, अब वो डिस्क पैड्स जितनी बार भी चेंज हुए हैं, ये मोस्टली है ना हमारा, हमने इसका ईयरली पैकेज आता है, मेंटेनेंस पैकेज है कुछ, तो उसमें ये जितने भी वेरिएबल पार्ट्स हैं अपनी एथर के, वो बेसिकली फ्री ऑफ द कॉस्ट चेंज करते हैं और सर्विस भी उसमें फ्री इंक्लूडेड है, और वो ईयरली पड़ती है कुछ 2500-2800, मतलब 3000 के नीचे का ईयरली पैकेज है वो ले लो तो बहुत बढ़िया, टेंशन फ्री। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है उसका बेल्ट का, कि बेल्ट उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो जाती है, जबकि बेल्ट बहुत एक्सपेंसिव है, अराउंड 7000 की कुछ पड़ती है अपने को, जो बड़ी वाली बेल्ट है, छोटी वाली बेल्ट का भाव नहीं पता क्योंकि वो चेंज नहीं हुई है, बट 3000-3500 ऐसा कुछ होगा उसका रेट। तो मेरे को फ़ायदा उसमें हुआ है क्योंकि मेरी एक बार बेल्ट चेंज हुई है, ठीक है। अब मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ आपको, अंदर के फाइबर आप देख सकते हो, ठीक है, अभी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। शॉकअप्स है, मेरे को लग रहा है कि थोड़े थोड़े ये सॉफ्ट ज़्यादा हो गए, पहले थोड़े हार्ड थे, अब ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, ज़्यादा बैठे हुए, तो मे बी मैं ये सर्विस में उनको दिखाऊंगा और मे बी इसको फिर से रीवर्क करना पड़े इस पर, लेकिन अभी तक इसकी सील्स वगैरह है वो ख़राब नहीं हुई है कोई भी, दोनों तरफ से देखो कहीं पर भी लीकेज वगैरह की कोई साइन नहीं है, ठीक है। टायर देखिए, टायर ये स्टॉक टायर है, आपको दिखा देता हूँ, 40,000 किलोमीटर में हल्के हल्के इसमें क्रैक्स आना शुरू हुए हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो, ठीक है। और टाइम आ चुका है इसको चेंज करने का, लगभग 5-7 हज़ार किलोमीटर में ये चेंज कर दूंगा मैं टायर को, एंड बाकी इसके अलॉय एकदम परफेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड फिर हम आ जाते हैं, ये भी जो नंबर प्लेट होल्ड करती है, ये प्लास्टिक का था, स्टार्टिंग से ही मेरे को डाउट हो रहा था कि शायद टूट फूट ना जाए, लेकिन चल गया, नंबर प्लेट थोड़ी टेढ़ी होती रहती है लेकिन चलेगा, वो तो एल्यूमिनियम की है, ठीक है, वो भी बराबर है अपनी जगह। एंड देन हम थोड़ा पीछे आते हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो है फ्लिमजी पार्ट, पहले ही अपने आप नीचे चला जाता था, अब ये नीचे खुद से नहीं जाता है, खुद क्वैंक क्वैंक आवाज़ भी आ रही, देखो, ठीक है। और चार्जिंग सॉकेट भी बराबर है, कचरा वचरा थोड़ा होगा लेकिन कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई इधर,
ये भी पूरा प्लास्टिक का है, मेरे को लगा 3 साल में कभी ना कभी कुछ ना कुछ वेट हम तो लगाते ही रहते हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं 5-7-10 किलो की, अगर सब्जियां लटका दो तो टूटने का डर लगा रहता था मेरे को, लेकिन वो बराबर है। तो ये भी टिक गया अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो पैनल है ये पता नहीं क्यों बाहर आया है, ये सर्विस में मैं करा दूंगा। देखो शायद इधर एक स्क्रू निकल गया है, मे बी उसकी वजह से होगा ये, तो ये करा देंगे। बाकी स्क्रूज अभी मेरे को टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको अगर ध्यान से देखोगे ना तो हल्के हल्के यहाँ पे वेयर साइंस हैं, मतलब जो ये स्क्रूज हैं जितने भी, मेरे को लग रहा है वो थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट है, हार्डन नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम आ रही। देखो मैं अभी आपको इधर दिखाता हूँ, जैसे ये है, इस ये फिलिप्स हेड है, मतलब प्लस प्लस वाला जो स्क्रू बोलते हुए तो पूरा राउंड हो चुका है, और ऐसे हर जगह पे आपको दिखेंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये नट, ये स्क्रूज हैं, जो स्क्रूज की क्वालिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। मैं बोलूँगा कि उसको सबको रिप्लेस कर दे। देखो अभी ये ढीला है थोड़ा, लेकिन अब क्या करें, ये टाइट हो नहीं सकता, इसका हेड पूरा ख़त्म हो चुका है, तो ये सारे स्क्रूज चेंज करने पड़ेंगे एक बार, ठीक है। रही बात यहाँ पे आए, तो यहाँ का जो फैन है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक, प्रॉपर चल रहा है। देखो अगर आपको आवाज़ तो जब चालू होगी तब आएगी, ये भी ठीक है। ये फाइबर वगैरह है, चल रहा है। सीट में भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है, चल गया अभी तक। ये सब तो मेरे गली के जो छोटे कुत्ते हैं वो चबाते हैं, तो उनने ये डैमेज किया है। बाकी पीछे का सस्पेंशन देखोगे अगर आप ध्यान से, तो हल्का हल्का कलर उसका निकल रहा है, देखो अगर दिख रहा हो तो ध्यान से देखिए। ये जो दो स्प्रिंग जहाँ पे टच होगी ना वहाँ पे कलर निकल चुका है, तो स्प्रिंग का हल्का एक वो कलर निकलने का एक आया है प्रॉब्लम। स्विंग आर्म इस बहुत स्टडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पीछे की डिस्क है वो भी सही है, पीछे के ब्रेक पैड्स भी 3-4 बार बदल चुके हैं ये। और ये टायर, मेरा दूसरा टायर है वो भी ख़त्म हो गया है, मिशलिन का डाला था मैंने, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो भी देख लेना आप। तो ये टायर अभी चेंज हो जाएगा मोस्टली 1000 किलोमीटर में, जैसी अभी सर्विस में डालने वाला हूँ मैं, उसके बाद मैं ये चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये भी बराबर है, ये पीछे का भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम, बराबर है, पीछे की लाइट भी बराबर है, ये अभी भी फुल स्टडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेल्ट वगैरह आप देख लीजिए, बेल्ट मेरी एक बार रिप्लेस हो चुकी है पूरी तरह से, पीछे वाली बड़ी, ठीक है, और दूसरी छोटी वाली तो ऐसी ही स्टॉक है, उसमें क्रैक्स व्रैक्स तो नहीं दिख रहे मेरे को अभी, तो अभी तक ठीक चली है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब मैं थॉट्स बताता हूँ कि क्या, हाँ, रेंज रेंज इसकी बहुत कम हो चुकी है, अभी देखना पड़ेगा एक बार। आप कमेंट्स में डालिए कि मैं रेंज टेस्ट करूँ कि नहीं, अगर आपके कमेंट्स मज़ा आएगा तो मैं डालूँगा, नहीं अगर नहीं आऊँ डाल ही दूंगा, चिंता मत करो आप। लेकिन वो दूसरा वीडियो बनाऊँ कि लंबा बन जाता है वो वीडियो, ठीक है। तो इसकी जो रेंज बेसिकली है, ये ड्रॉप होके मेरे ख्याल से एटलीस्ट आई डू थिंक 40% तो ड्रॉप हुआ है इसका रेंज, 40% इज़ अ गुड अमाउंट, एंड आई डू थिंक आई एम एलिजिबल फॉर बैटरी रिप्लेसमेंट और समथिंग लाइक दैट वारंटी, देखो क्या करते हैं। तो वो मेरे को लग रहा है कि वो करना पड़ेगा इसमें। चलने में अभी भी गाड़ी एकदम परफेक्ट है, अभी आप देखो मैं चला ही रहा हूँ गाड़ी को, अभी आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ मैं। चल रही है, ये रैप वॉर मोड में है, अच्छी चल रही है। ये देखो फैन भी चालू हुआ, अभी आपको आवाज आएगी फैन की, अभी भी देखिए अब चल तो रही है, एकदम परफेक्ट है। पिकअप अभी भी है, इसकी हाई स्पीड पकड़ने में थोड़ा इशू आने लगा है, मतलब तुरंत फुल हाई स्पीड जो पहले पकड़ती थी ना, जैसे 90s की जो मैक्स स्पीड दिखाती है इसमें, वो फुल 90 की पहुंचने में इसको थोड़ी दिक्कत होती है, 2-3 सेकंड उसको ज़्यादा लगते हैं पहुंचने में, स्पेशली जो छोटे मोड्स हैं उसमें। वॉर्क में तो भी ठीक ठाक
पकड़ लेती है वो। अभी भी देखो चल रही तो थोड़ी थोड़ी खराब रोड है, धड़ 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 आगे के सस्पेंशन में बता रहा हूँ थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं तो बैठ जाते हैं जल्दी से, तो वो एक है। मैं आपको दूसरी सब चीज़ें भी बताता हूँ। तो मुझे जो पर्सनली फेल हुआ है इसमें अभी वो ये है कि देखो यार 40,000 किलोमीटर चल चुके हैं, तो अब ये हमें इतना एथर को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ऐसा नहीं होता कि एथर चला रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दो। जैसे हम एक्टिवा चलाते हैं वैसे ही हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बिंदास यूज़ करते हैं, जब मन करता है ले जाते हैं, जब मन करता है चार्जिंग पे लगाते हैं, जब मन करता है तब भगाते हैं, जब मन करता है धीरे चलाते हैं, ग्रॉसरीज लेने जाना है तो बिंदास जाते हैं, सामान भी फुल लोड करते हैं और पीलियन में भी आराम से बिठाते हैं, बच्चे भी बैठ जाते हैं, तो वो तो बहुत ही नॉर्मल यूजेज है डे टू डे लाइफ में, एकदम परफेक्टली हम लोग इसको चलाते हैं यूज़ करते हैं, मज़ा तो बहुत आता है। बस यही है, रेंज ड्रॉप हुई है, 40% तक की रेंज मेरे को फील होती है, 40% तक की रेंज ड्रॉप हो चुकी है इसमें। अब ये जो रेंज ड्रॉप हुई है इससे फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है, जो मैं पहले समझो कि 40-50 किलोमीटर हमें दूर जाके फिर से रिटर्न आना होता था कभी भी, तो अब वो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो एक इशू है, अभी मैं इसको चेक कराने जब सर्विस में दी थी तो उन्होंने बताया कि आपको बैटरी जो है वो बेंगलोर भेजनी पड़ी, और बैटरी बेंगलोर भेजने का मतलब ये है गाड़ी को सर्विस स्टेशन पे फॉर 1 month, 1 महीने तक आपको गाड़ी को रखना पड़ेगा सर्विस स्टेशन पे। तो अब वो फ्री नहीं हो पाती, अब हर रोज़ हमारी डे टू डे यूजेज है, तुरंत रख नहीं पा रहे हम, लेकिन अभी रख देंगे और आपको मैं वो भी बताऊंगा कि बैंगलोर से इसका टेस्टिंग जो हुआ है बैटरी का वो उसका रिज़ल्ट क्या है। हाँ, जब इसकी रेंज जो कम हुई है तो उसका एक और इफेक्ट ये आया है कि अब इसके जब चार्जिंग करते हैं हम लोग एथर का तो चार्ज भी बहुत फास्ट चार्ज हो जा रही है, मतलब जैसे मानो 40% अगर ये कम रेंज दे रही है तो 40% कम टाइम लगा रही है चार्ज होने में। तो आप बताइए मेरे को कि आपको अगर इसका एक चार्जिंग का एक वीडियो फिर से दिखाऊं मैं कि कितना चार्ज ले रही है और कितना यूनिट उसने यूज़ किया है फ्रॉम 0 to 100 चार्ज होने में, तो मैं उसका भी एक वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट में प्लीज़ डालिए, थोड़ा अफेक्शन और सपोर्ट दीजिए तो मोटिवेटेड होकर मैं बना दूंगा वो वीडियो, ठीक है। थोड़ा ज़रूरत लगता है भाई मोटिवेशन के लिए, ठीक है। आई डू थिंक एज ऑफ नाउ तो वी आर यूजिंग इट परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम, रेंज इज़ अ प्रॉब्लम। बट हाँ, एक चीज़ ये बताता हूँ मैं आपको कि होता क्या है, अभी जो हम लोग जब फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, हम जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन आप 2-3 साल बाद बेसिकली उसकी भी बैटरी कम देती है, क्या बोलते हैं, बैकअप। लेकिन एथर जो है वो अभी थोड़ा ज़्यादा स्पीड में कम दे रही है, उसका रीज़न ये है हम बैटरी के, मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझानी पड़ेगी, दैट्स अ सी डिस्चार्ज रेटिंग, एक सी रेटिंग बोलते हैं डिस्चार्ज रेट, तो कितने सी पे आप बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो फ़ोन यूजुअली है ना, आप अगर फुल एकदम हैवी वाला भी उसको आप डिस्चार्ज करोगे, गेम खेलोगे, मल्टीटास्किंग करोगे, तो भी आप उसकी बैटरी कुछ भी करके 3-4 घंटे से कम टाइम में आप डिस्चार्ज नहीं कर पाओगे, ठीक है। 3-4 घंटे तो आपकी बैटरी चलेगी, लेकिन फॉर एथर एंड ईवीज, एथर को तो आप एक्चुअली 1 घंटे के अंदर ही आप फुल डिस्चार्ज कर सकते हो, तो आपकी इसमें जो सी डिस्चार्ज रेटिंग है वो 1 से ज़्यादा का उसका रेटिंग आता है। तो कभी भी जो बैटरी है वो 1C से ज़्यादा डिस्चार्ज करते हो तो उसकी लाइफ में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो
तो इसके बारे में, सी डिस्चार्ज रेटिंग के बारे में भी अगर आपको जानना हो बैटरी के बारे में तो आप बताना मुझे, तो मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं चाहता था कि इसको बहुत ही शॉर्ट बताऊँ आपके लिए फटाफट। आप देखो रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है, तो उसमें फटाफट फटाफट इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा रेंज टेस्ट का, एथर का लॉन्ग टर्म। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो, ताकि नेक्स्ट अभी मैं अपलोड करूँ ये वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस टाइम, बाय बाय।